मैं आपको आज बता रहा था, एक लेनोवो का लैपटॉप है, लेनोवो आइडिया पैड 115 IBS के। इसमें क्या होता है, मैं आपको आज इसमें बता रहा था रैम चेंज का, फैन चेंज का और कीबोर्ड चेंज कैसे होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा था। तो मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं, सूरज कंप्यूटर्स लैपटॉप रिपेयरिंग, कार्टेज रिफिलिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, मदरबोर्ड रिपेयरिंग, सारी सर्विस पूरे दिल्ली NCR में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप कॉल करो, सूरज कंप्यूटर्स आपको ऑन साइट प्रोवाइड कराएंगे। सर्विस कार्ड लेवल का कोई भी काम होगा वो आपको ऑन साइट ही सर्विस प्रोवाइड होगी। अदरवाइज कोई चिप लेवल का काम है तो उसके लिए आपको हमारी शॉप पे आना पड़ेगा, या बंदा जाएगा आपका सामान लेके हमारी शॉप पे आएगा, ठीक करके आपको वहीं पे भिजवा देंगे। सूरज कंप्यूटर्स के बहुत ही चार्ज बहुत कम होते हैं, और किसी के अकॉर्डिंग आप यदि कंपेरिजन करोगे तो सूरज कंप्यूटर्स के चार्ज में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। प्लीज़ एक बार सूरज कंप्यूटर्स को आप कॉल करें और रेट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको अब दिखाते हैं कि आइडिया पैड में रैम कहाँ पे होती है, फ़ैन कौन सा होता है। आजकल क्या हुआ है, बहुत सारी मशीनों में सब कुछ इंटरनल कर दिया है। पहले क्या होता था, एक दो स्क्रू खोलो तो रैम निकल जाती थी, फिर एक जगह का हार्ड डिस्क होती थी तो बहुत इजी होता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल क्या किया है कंपनियों ने किया है कि सब कुछ इंटरनल कर दिया है, अंदर से पूरा लैपटॉप आपको खोलना पड़ेगा। यदि आपको रैम भी चेंज करनी है तो पूरा ही कंप्यूटर आपको खोलना पड़ेगा, आपको बैटरी चेंज करनी है तो भी पूरा कंप्यूटर आपको खोलना पड़ेगा, कीबोर्ड आपको चेंज करना है उसके लिए भी आपका पूरा ही कंप्यूटर खुलेगा। तो इस प्रकार कंपनियों ने बहुत से आपके अपने चेंज किए हैं मशीनों में, इस तरीके से। तो हम यहाँ से कीबोर्ड निकाल लेंगे। ये DVD राइटर होता है यहाँ पे, इस प्रकार आप देखेंगे कि ये कैसे हमने इसको खोला और कहाँ पे बैटरी, ये इसकी बैटरी होती है, ये यहाँ पे रैम होती है, यहाँ से खोल के हम रैम लगाएंगे, रैम चेंज हो जाएगा और ये आपका हार्ड डिस्क होता है। आजकल मशीनों में एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कंपनियों ने फ़ैन और हीट सिंक वगैरह भी ख़त्म ही कर दिए हैं। अब आप देखोगे इस लैपटॉप में ना फ़ैन है और ना हीट सिंक है, ओनली बस एक हीट सिंक लगा दिया है CPU पे। आजकल के प्रोसेसर जो है वो अपने आप में ही कूल होते हैं, ज़्यादा उनको कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पहले मशीनें आती थी वो कूलिंग के लिए उनके फ़ैन अलग से लगता था, हीटसिंग एक अलग से लगती थी, तो इस प्रकार अब कंपनियों ने फ़ैन भी बंद कर दिया है मोस्टली लगाना। तो इस मशीन में आइडिया पैड 115 IBA में आपको फ़ैन नहीं मिलेगा, ओनली रैम, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क। ये दिखाने के लिए हमने एक आपको वीडियो बनाया कि किस मशीन में क्या होता है। प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे को ये अवश्य आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।